फैलेसी। और बायो का किससे पढ़ती हो? यूट्यूब में ये ऋतु रेतीवाल का देखा करो, सबसे बढ़िया वीडियो है, एक बार देख लोगी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अन एकेडमी की है, बहुत अच्छी बायो पढ़ाती हैं। सो अरिस्टोटल्स फैलेसी। नाउ अरिस्टोटल वाज ए ग्रेट थिंकर, सो जिसे अरस्तु भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बात देखी कि अगर किसी चीज़ को, फैलेसी का मतलब होता है मिथक, कि किसी चीज़ को चलाए रखने के लिए एक फोर्स नीडेड है, क्योंकि जानते थे बॉल रुक जाती है। ही वॉज नॉट नोन अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, सो एट दैट टाइम ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, दीज वर नॉट नोन। सो इसको कहते हैं इट इज़ ए मिथ, किसी चीज़ के बारे में अगर कोई गलत धारणा हो। तो इनका मिथक क्या था कि इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी मूविंग, किसी बॉडी को मूव करने के लिए ऐसा चाहिए। हाउ एवर वी नो दैट इन इंटरस्टेलर स्पेस अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे अर्थ है, प्लैनेट है, सेटेलाइट है, नेब्यूला है, या कोई एस्टीरॉइड है, कॉमेट है, ये मूव कर रहे हैं, तो ये अपने आप ही मूव कर रहे हैं। और ये सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी पे, अगर इंटरस्टेलर स्पेस है जहाँ दूर दूर तक कोई प्लैनेट ना हो, कोई दूर दूर तक गैलेक्सी ना हो, अगल बगल कोई सन ना हो, कोई ग्रेविटी ना हो, तो वो उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन में मूव करते रहेंगे, वहाँ तो कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो ये एक तरीके की फैलेसी है, क्योंकि इन्होंने देखा बॉल को लुढ़काते हैं तो रुक जाती है, तो उसको अगर लगातार लुढ़काते रहें तो ही चलेगी, फ्रिक्शन फोर्स तो इनको मालूम नहीं था कि उस समय था। हाउ एवर ये फैलेसी है विच इज नाउ प्रूव्ड रॉन्ग, सो इट इज नाउ प्रूव्ड रॉन्ग। किसने प्रूव्ड रॉन्ग किया बताओ? नाइन्थ में पढ़ा है आप? यस, इट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ गैलीलियो गैलीली। सो गैलीलियो गैलीली ने ये बात बताई, गैलीलियो गैलीली। सो इन्होंने देखा कि क्या, प्रैक्टिकल करके देखा कि अगर मान लीजिए एक इस तरीके से ये है, तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए और उसमें बॉल को फ्रिक्शन लेस बिल्कुल पाउडर डाल दो, आप बोरिक पाउडर डाल दो, यहाँ से एक बॉल को छोड़ो, तो बॉल को हम छोड़ते हैं तो, और दूसरा भी एक इसी तरीके से प्लैंक हो जो थोड़ा सा एंगल पर हो, तो यहाँ से ये बॉल जाएगी तो ये इस हाइट तक चली जाती है, बिल्कुल सेम हाइट पे जाके रुकेगी, अगर आपने बिल्कुल फ्रिक्शन लेस बना दिया है। और अगर इसे ऐसे कर दो तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, पिछला वाला हटा दिया, और तब भी उसी हाइट पर रुकेगी, ज़्यादा चलना पड़े तो भी ज़्यादा चलेगी लेकिन हाइट वही रहेगी, जब तक वो उस हाइट को अटेन ना कर ले तब तक। और अगर हमने मान लीजिए इसको और थोड़ा सा एंगल लेस कर दिया, ठीक है, तो स्लोप लेस कर देने पर अब ये इस पे जाएगी, रिवर्स वाले प्लैंक हटा दिए गए हैं और नए वाले प्लैंक में इसको रिप्लेस कर, तो भी उसी हाइट पे जा रही है। और अगर मैं इसे सीधा कर दूँ देन इट कीप ऑन मूविंग until it attains the same height, however the same height cannot be attained till eternity and it will keep on moving continuously with same speed। तो ये जो चीज़ इन्होंने बताई, इसने प्रूव कर दिया कि अरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, द लॉ ऑफ इनर्शिया। However, this first law of motion, जो बाद में न्यूटन ने दो और लॉ दिए, तो उस इसको हाईजैक कर लिया न्यूटन ने और इसे अपना फर्स्ट लॉ कर दिया थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। बट दिस लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज गिवेन दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन
तो कौन सी है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ही है, फिर भी इन्होंने लिखा, इसलिए लिखना पड़ेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही है कि डायरेक्शन ना बदले. ठीक है. कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट और, दो चीजें हैं, और एट रेस्ट अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट. अनलेस, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए. अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. सो जो मोशन होती है उसकी दो स्टेट होती है, यानी आप कह सकते हैं मोशन तो क्या होती है कि व्हेन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू ये रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन. तो मोशन की दो चीजें होती हैं, एक स्टेट ऑफ मोशन होती है और एक क्या होती है, दूसरी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट. रेस्ट भी मोशन की ही एक स्टेट है. तो अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी रहेगी, और कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी. जैसे अगर हम सोए हुए हैं और मम्मी आके जगाने लग जाएं, तो हमारे अंदर एक जड़त्व है. जड़त्व का मतलब है इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब हैव ए टेंडेंसी नॉट टू चेंज अवर करेंट एग्जिस्टिंग स्टेट. हम कहेंगे मैं सो रही हूँ तो क्यों जगा रही हो. हम अपनी जो करेंट स्टेट है उसका विरोध करते हैं, इसे मत बदलो. अच्छा, ऐसे ही अगर हम जाग रहे हो सुला दें कि सो जाओ तो क्यों सुला रही हो. अगर हम जाग रहे हैं तो सोने के एक कोई फोर्स हमें कंपेल करे सो जाओ तो विरोध करेंगे, सो रहे हैं तो जगा दे तो विरोध करेंगे. क्या आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने 10th में पढ़ा, तो कोई अगर किसी के फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसका विरोध करता है. भाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा है ना 10th में, तो अगर दूसरा मैग्नेट लाया जाए किसी लूप में तो उसके फ्लक्स चेंज होंगे कि नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. तो कहेगा क्यों कर रहे हो, वो खुद मैग्नेट बन जाएगा. कहेगा तुम नॉर्थ हो, मैं नॉर्थ बन जाऊंगा, तुम्हारे फ्लक्स काट दूंगा. और इसके लिए उसमें करंट दौड़ने लगती है. तो अगर वो ऐसे करंट दौड़ेगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी, तो इधर वाला नॉर्थ बन जाएगा कि नहीं, और नॉर्थ को रोकेगा. कहेगा देखो तुम आ रहे हो, अपने फ्लक्स बढ़ा रहे हो मेरे अंदर, और अब मैं देखो कैसे करता हूँ कि तुम्हारे ही फ्लक्स काट दूंगा. तो विरोध करता है, कहता है कि मेरे फ्लक्स मत चेंज करो, वहीं खड़े रहो जहाँ खड़े हो, और जितने फ्लक्स आने उतने ही आने दो. लेकिन मान लीजिए इसने इसके पास आने की कोशिश की. ये इनर्शिया का प्रिंसिपल सभी में है. तो ये चीज़ क्या है कि जब इसके पास आएगी तो इसमें एक अपने आप एक तरीके की करंट फ्लो करने लगेगी. इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. जब इसका इसके साथ रिलेटिव मोशन होता है, यानी दोनों को ना ले जाया जाए, एक को रखा जाए एक को ले जाया जाए, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन. तो ऐसी स्थिति में इसमें कैसी करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट, यानी एक तरीके की प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी. और जब इधर करंट होगी तो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा. और इधर इसका कौन सा रूल पोल होगा, क्या नॉर्थ होगा, तो क्या इससे जो वेव्स निकलेंगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो एक्स्ट्रा एडिशनल फील्ड लाइंस का क्या करेंगे, विरोध. देखो अभी तक जो लाइंस इसके बाहर जाया करती थी, क्या वे ही इसके अंदर से नहीं जाने लगेंगी यदि ये इसके पास आ जाए तो. बोलिए. तो ये क्या करेगा, एडिशनल करंट फ्लो कराएगा, और अपने अंदर एडिशनल करंट फ्लो कराएगा, और जितनी एक्स्ट्रा ये फील्ड लाइंस इनको जा रही उनको काटेगा. कहेगा तीन जानी थी, तीन ही जाएं, अभी चौथी पांचवी ना जाए, इन दोनों को काट देगा. उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. अच्छा, दो चीज़ें हैं दुनिया में, हर चीज़ है जड़ और चेतन. तो विच इज़ एवर चेंजिंग, जो वांट टू चेंज हो उसको कहते हैं चेतनता, और जड़ता किसको कहते हैं, इनर्शिया. इफ एनीथिंग वांट टू चेंज इट्स स्टेट, इफ सम योर ऑफ योर कुलीग्स और फ्रेंड इज टेलिंग दैट अमानशी यू आर नॉट करेक्ट एंड यू शुड चेंज योर बिहेवियर, तो आप कहोगे मैं जैसी हूँ मुझे वैसी रहने दो, मुझे बदलने की कोशिश ना करो. ये इनर्शिया है. आप जैसी हैं वैसी रहना चाहती हैं और ख़ुद को बदलना नहीं चाहती, तो इस चीज़ को कहते हैं इनर्शिया. ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है. ऑब्जेक्ट में तो इनर्शिया हमसे ज़्यादा होता है, हम में तो थोड़ी चेतनता भी है, हम तो चेंज हो जाते हैं.
लेकिन ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, उसमें इनर्शिया ही है, उसकी जो स्टेट है वो कहता है उसको बदल बदल नहीं सकते, हम उसी में रहेंगे। इट इज़ माई मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट। इफ आई एम मोशन इन मोशन देन मोशन इज माई मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट। इफ आई एम एट रेस्ट देन रेस्ट इज माई मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट। सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। तो जो इसकी स्टेट है उसे चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना है। फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। जैसे कहा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट पर है तो क्या ये अपने आप चल लेगा क्या? सो द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, और सबसे ऊपर क्या लिख लो? इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। यदि कोई फोर्स ना लगाया जाए, एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, यदि फोर्स ना लगाया जाए तो जो चीज रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहेगी, और जो चीज मूव कर रही है तो क्या वो उसी स्पीड से मूव नहीं करना चाहेगी? एंड द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन ठीक है, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन चीजें हैं। द इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स करंट स्टेट आइदर ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स करेंट स्टेट आइदर ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। ये चीज है। सो दैट इज इनर्शिया क्या है कि करेंट स्टेट रेस्ट की है या मोशन की है उसको वो मेंटेन करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। किसी भी वस्तु में उसकी वर्तमान अवस्था को मेंटेन करने की प्रवृत्ति होती है। एंड इट इज कंसीडर्ड एज इट्स मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट। वही उसकी मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट है। इफ यू वांट टू चेंज दैट स्टेट देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो क्या होगा? इफ यू वांट टू चेंज तो कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? इट्स स्टेट देन कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई फोर्स, टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल क्यों कह रहा हूं? फोर्स इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए ये टेबल रखी है, तो टेबल में टेबल है तो क्या टेबल में इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या बहुत सारा फोर्स लग रहा है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स, बहुत सारे पार्टिकल है ना इसमें, तो क्या वो फोर्सेस जो पेयर वाइज हैं वो आपस में क्या है कि इस टेबल को नहीं मूव करा सकते हैं? ये टेबल यहीं की यहीं रहेगी, ये टेबल नहीं मूव करेगी इससे। अगर मान लीजिए कि एक किसी प्लैंक में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और वो चाहें कि वो इधर उधर इस
मूव करें और ये चल जाए प्लैंक, बल्कि इसमें गाड़ी भी लगी है, व्हील्स भी लगी, तो भी नहीं चलेगी. इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मेक एन एनी ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. और बाहर से अगर एक व्यक्ति आ जाए और ये व्यक्ति इस चीज़ को चला दे, तो इस चीज़ को अगर वो धक्का दे के चला दे तो चल जाएगी, और नहीं तो ये नहीं चलेगी. तो इस तरीके से अगर वो पकड़ के चला दे तो चल जाएगी. इसी तरीके से किसी नाव के व्यक्ति, सोचें कि हमें चप्पू की ज़रूरत नहीं है, वी नीड नॉट, ठीक है, कोई चप्पू नहीं चाहिए और हम ही ये नहीं चाहिए, और सिर्फ हम ही लोग यहाँ से वहाँ टहलेंगे और इस पर चलेंगे और इसको चला देंगे और हम यहाँ से कानपुर से लखनऊ गंगा नदी में बहते हुए चले जाएंगे, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट टू मूव, या लिफ्ट में खड़े हुए व्यक्ति इधर उधर मूव करके लिफ्ट को नहीं चला सकते. सो इसलिए कैसा फोर्स चाहिए, दैट इज सम एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड. तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ये बात हो गई. सो टू अप्लाई ये चीज़ें, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट्स स्टेट यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स. तो ये चीज़ हो गई इनर्शिया. फिर आप कहेंगे आपने तो कह दिया है कि इंटरस्टेलर स्पेस होता है वेयर देयर इज़ नो फोर्स, तो हम ऐसा स्पेस कहाँ से लाएंगे. इट इज़ अपरेंटली इनफीसिबल टू ब्रिंग सच एन स्टेट, ऐसा तो बिल्कुल वास्तविक रूप में इम्पॉसिबल है. तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि इफ़ बॉडी इज़ अंडर बैलेंस्ड फोर्स. तो फोर्सेस दो तरीके के हैं, कौन कौन से फोर्सेस दो तरीके के. यस, इट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. फोर्स, सो ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस हुज नेट रिजल्टेंट इज जीरो, ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस हुज वेक्टर सम इज जीरो, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट या वेक्टर सम इज नॉन जीरो, तो उसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे. जैसे कि हमारे पास किसी भी बॉल में एक इधर से फोर्स लगा है और एक इधर से फोर्स लगा है, और ये 2 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, तो क्या ये एक बैलेंस्ड फोर्स है, बताओ. अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इधर एक फोर्स इधर से कोई खींच रहा है, इसी में इधर से कोई खींच रहा है, और ये 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा. अगर ये 4 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, बताओ अमांशी, ये कितना होगा रिजल्टेंट, बीच में जाएगी, पैरेललोग्राम बना दिया, कितना होगा. अभी परसों की क्लास में बताया गया है, बताओ आप, बताओ सताक्षी, क्या ये भी 4 न्यूटन होगा क्या सताक्षी, एनीबडी, नहीं पता है. सो दिस रिजल्टेंट विल बी, याद रखना चाहिए जो पिछले क्लास की चीज है वो याद रखो, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 4 cos 120 डिग्री. सताक्षी cos 120 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 4 × 4 = 32. cos 120 क्या होता है अमांशी, 90 + 30, आगे क्या होगा, हाँ आगे बताइए सताक्षी, ये क्या होगा, माइनस साइन. अच्छा बताया आपने, यू आर सो इंटेलिजेंट. सो 32 + 32 और -1/2, तो क्या होगा, 16 16, फिर ये चीज 4 है, 16 16, और a² + b² + 2ab 1/2 है, तो क्या हो जाएगा. नाउ दैट इज इक्वल्स टू cos 120 आपने किया,
तो कॉस 120 से क्या आ गया, साइन 30, और ये निगेटिव में आ जाएगा, तो 32 और माइनस 16 आ गया क्या, और क्या ये 16 आ गया जो कि 4 है। तो क्या आपका ये कहना ठीक रहा कि अगर 4 न्यूटन और 4 न्यूटन लगा रहेगा 120 पे तो 4 न्यूटन ही होगा? बोलो बोलो, प्रिडिक्शन ठीक था कि नहीं? तो इसलिए एक ऐसा फोर्स लगा दिया जाए जो कि 4 न्यूटन का हो, तो क्या इन दोनों के वेक्टर सम को वो ठीक ठीक कैंसिल कर देगा? बताओ। सो इफ ग्रुप ऑफ 3 फोर्सेज आर एक्टिंग विच ईच आर, जब सभी 120 पे हैं तो इन दोनों के रिजल्टेंट को ये कैंसिल कर देगा, इन दोनों को ये कर देगा, और इन दोनों के रिजल्टेंट को कौन कैंसिल कर देगा, क्या ये? सो एनी फोर्स कैन कैंसिल द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेज इफ टेकन पेयर वाइज। बोलो बात सही है कि नहीं? इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर चार तरफ से फोर्स लग रहे हो, तो भी अगर वो फोर्स जो है सिमेट्री रखते हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, देन एट वाई एक्सिस द फोर्सेज आर कैंसिलिंग पेयर वाइज एंड एट जेड एक्सिस दे आर कैंसिलिंग पेयर वाइज, तो पेयर वाइज कैंसिल कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का बैलेंस फोर्स हुआ। या फिर ये है, इनमें एंगुलर सिमेट्री हो, ठीक है, और फोर्स भी इक्वल हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इवन आप 5 फोर्सेज अगर इक्वल लगा लें तो बिना संकोच के उसे कैंसिल कर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक मोती है और उसको इधर से खींचा जाए और 72 डिग्री पर इधर से खींचा जाए, फिर इधर से खींचा जाए, इधर से खींचा जाए और इधर से खींचा जाए, 72 डिग्री पे खींचा जा रहा है, पेंटागोनल बन रहा है कि नहीं? तो बताओ क्या वो मोती कहीं जाएगा कि वहीं बीच ही में रहेगा? बोलो, खींच रहे 5 लोग, तो इसका मतलब है अगर किसी भी तरीके की तुम सिमेट्री पाती हो, पेंटागोनल सिमेट्री, टेट्रागोनल पाती हो, ट्राइगोनल पाती हो, लीनियर सिमेट्री पाती हो, फोर्सेस भी इक्वल हैं, तो ऐसे केस में वो बैलेंस्ड फोर्स ही कहे जाएंगे। अच्छा, अब देखो हुज रिजल्टेंट इज नॉन जीरो। तो एक मान लीजिए कि एक तरफ से फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स लग रहा है, तो बच्चे ने छोटा फोर्स लगाया, पिता ने ज़्यादा फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है किसकी ओर जाएगा, क्या फादर की ओर ज़्यादा जाएगा? फादर की ओर खींचा चला जाएगा, पैरेललोग्राम बना दो, तो जो फोर्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ जाएगा। इट इज़ अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या सर्वाइव कर गया है क्या? बताओ, तो रिजल्टेंट सर्वाइव कर गया, ये F1 है, ये F2 है और ये F रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट फोर्स सर्वाइव कर गया है। सो इफ़ सम ऑफ 2 फोर्सेस इज नॉट कैंसल्ड, ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर 6 न्यूटन लगा है और इधर 2 न्यूटन लगा है, तो भी सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज नॉन जीरो। तो अब हमारे पास बात आती है इनर्शिया की। तो किसी भी चीज़ को आपको मूव कराना है तो इनर्शिया चाहिए, वो विरोध करेगा। सो ऑब्जेक्ट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स पोजिशन, हेंस वी हैव टू अप्लाई फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अपोज करेगा, इट इज़ ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ये जो उसका जड़ता है। कोई भी आप में कोई बदलाव लाना चाहेगा तो क्या आप विरोध नहीं करोगे? फिर हम मनुष्य किस बात के हुए? तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एनी ऑब्जेक्ट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स करेंट स्टेट, सो वी नीड टू अप्लाई फोर्स, वी नीड टू अप्लाई फोर्स। इट इज, ये क्या है, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स इनर्शिया। सो ये मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन का मतलब प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इसमें इनर्शिया है, उसी का मैनिफेस्टेशन है कि हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इफ ए बॉडी हैज मोर मास देन इट हैज मोर इनर्शिया, इफ अ बॉडी हैज मोर मास देन इट हैज मोर इनर्शिया। अब जरा देखो कि अगर आपने एक छोटी सी मोती ले ली, ये मोती है, इसको आपने क्या किया कि
कि उंगली से फ्लिक कर दिया, तो मान लीजिए आप उंगली लाकर इस छोटी सी मोती है बिल्कुल और इसको फ्लिक कर रहे हैं, तो फ्लिक करने में क्या होगा, तो फ्लिक करने पे आप, फ्लिक करने पर ये मोती तो उछल जाएगी, तो आपने इसको फ्लिक किया और ये उछल गई इस तरीके से। सो इफ़ यू हैव फ्लिक्ड दिस देन इट विल गो, ऐसे तो ये उछल गई। कितना विरोध किया होगा इसने, क्या थोड़ा किया होगा कि ज़्यादा, बहुत थोड़ा विरोध किया होगा। सो अगर यही एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसको फ्लिक करने की कोशिश करो तो क्या होगा, क्या चोट लग जाएगी, फ्लिक करो तो चोट लग जाएगी। बताओ किसने ज्यादा विरोध किया, मोती ने कि इसने। सो एक जो ज्यादा मास है और एक कम मास है, सो मोर मास हैज मोर इनर्शिया, सो इट अपोजेस ग्रेटली, इट हैज मोर इनर्शिया, सो लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। मोर मास हैज मोर इनर्शिया, इनर्शिया, सो लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। देखो वैसे तो हमने आपको बता दिया कि लार्जर फोर्स से ज़्यादा मास है तो ज़्यादा इनर्शिया है, लेकिन फिर भी इनर्शिया दो तरीके का है। इनर्शिया कौन कौन से दो तरीके का है बताओ अमानशी, अभी पिछले चैप्टर की लास्ट क्लास में बताया गया, ट्रांसलेशनल इनर्शिया और दूसरा कौन सा है? हाँ तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया और दूसरा क्या है, रोटेशनल। रोटेशनल भी इनर्शिया होता है और ट्रांसलेशनल भी इनर्शिया होता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसका मास m है और उसी में उसकी वेलोसिटी v है और कोई फोर्स ना लगाया जाए, तो क्या इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्या कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है? या इफ़ बॉडी इज अंडर बैलेंस फोर्स, अब आप कहोगे कोई फोर्स ना लगे ऐसी तो सिचुएशन हो ही नहीं सकती, ग्रेविटी से बच के कहाँ जाओगे, अब कहाँ स्पेस ढूंढते फिरोगे, हम तो धरती पर हैं और यहाँ तो ग्रेविटी लगेगी, उसके उल्टा कहो तो ऊपर से हम कुछ और फोर्स लगा दें, कोई हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा के काउंटर बैलेंस कर दें, जैसे मिल्कन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में किया गया था, काउंटर बैलेंस किए गए थे कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो आप कहोगे हम तो वैसी सिचुएशन ला सकते हैं बैलेंस फोर्स की, एब्सेंस ऑफ फोर्स कहाँ से लाएं? सो इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर, कैसा हो बताओ, इफ ऑब्जेक्ट, तो यही चीज न्यूटन ने जो है चेंज कर दी, अंडर बैलेंस फोर्स, उन्होंने कहा था एब्सेंस ऑफ फोर्स, गैलीलियो ने, उन्होंने बोला ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है, इज अंडर बैलेंस फोर्स, यदि कोई भी वस्तु संतुलित बल के प्रभाव में हो तो, इफ इट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, व्हाट डज इट मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स, दैट मीन्स एफ नेट उस पर कितना लगे, जीरो, जीरो पे भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, ऐसा ना करना यहाँ लगा देना यहाँ ना लगाना। सो इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स देन इट्स, क्या ये इसी स्पीड से चलती रहेगी, क्या इसी डायरेक्शन में ये इसकी वेलोसिटी, बोलो, तो फिर क्या इसका जो मोमेंटम है m इंटू वी, क्या वो कंजर्व रहेगा भाई उसकी कुछ, तो इस लॉ को क्या कहोगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आधा बोलती हो आधा नहीं बोलती हो, बोलो भाई पूरा बोलो, पूरा बोलो अमानशी, अब सही बताया, सो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम या ट्रांसलेशनल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि वो तो उसी दिशा में चलती रहेगी, उसी स्पीड से चलती रहेगी, कंजर्व्ड, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम, लीनियर,
यानी अगर इफ एफ नेट इज जीरो देन जो उसका पी है क्या वो कांस्टेंट रहेगा? ये चीज रहेगी कि नहीं? कैसे रहेगी? क्या आपको कभी भी किसी ने ये बताया है नाइन्थ में कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? बोलो, नाइन्थ में पढ़ा है क्या? पढ़ा हो तो बताओ। अपॉन टाइम, ये चीज आपने पढ़ रखी है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब आप समझती हैं, चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि क्या पी एफ माइनस पी आई यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम समझती हैं क्या? बताओ। और फोर्स जीरो कर दिया गया क्या? चलो, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हमने इसका स्केलर पार्ट ले लिया, वेक्टर हटा दिए, तो जीरो में टी का मल्टीप्लाई करो तो वहाँ क्या हुआ? क्या पी एफ माइनस पी आई हुआ? तो क्या जीरो इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई हुआ? तो क्या पी आई ही पी एफ हो गया? दैट मीन्स पी इज कॉन्स्टेंट हो गया क्या? बोलो, इज दिस द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बताओ, क्या मैंने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया? ये सेकंड लॉ, ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, और इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया? सो दिस इज प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हमें तो कुछ और ही बताया गया है, हम तो एफ इज इक्वल टू एम ए जानते हैं, आप उससे प्रूव करो तो जाने, क्योंकि वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और वेक्टर में प्रूव करो। तो F क्या होगा? सॉरी, इट इज अपॉन T विथ A, तो यही होता है कि नहीं? तो क्या जीरो हो जाएगा? और इट इज M बाई T और V वेक्टर माइनस U वेक्टर, तो इंटू T अपॉन M, तो जीरो वेक्टर इट इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, सो जीरो वेक्टर प्लस यू वेक्टर इट इज वी वेक्टर, सो वी वेक्टर क्या यू वेक्टर के बराबर होगा? सो इसका मतलब क्या है? इट प्रूव्स दैट अगर मास ना भी ले जाओ, मास यहीं पकड़े रहो, कह दो हम तो मोमेंटम पे कर रहे थे, चलो मोमेंटम यहीं रखो, ना ले जाओ उधर, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और ये भी पता चल जाता है कि जो वस्तु जिस दिशा में जिस रफ्तार से चल रही है वो वस्तु उसी दिशा में उसी रफ्तार से चलती रहेगी। तो m लिख दो। इससे क्या पता चला? कि इससे पता चलता है कि m u इट इज इक्वल टू m v हुआ कि नहीं? इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि p i इज इक्वल टू p f। बोलो सताक्षी, बात समझ में आई? yes, क्या ये वेक्टर फॉर्म में भी आपको समझ में आ गई? एक तो पहले हमने स्केलर फॉर्म में, सो दिस प्रूव्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ट्रांसलेशनल पार्ट। अभी हमने एंगुलर में नहीं किया है पूरा, तो अभी हमने लॉ प्रूव नहीं किया है, अभी आधा किया कि इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इतना तो प्रूव कर दिया। सो दिस प्रूव्स, दो मार्क्स का आता है ये, प्रूव्स फर्स्ट लॉ विद हेल्प ऑफ यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो क्या उसका इनर्शिया ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सताक्षी बताओ, कुछ रिस्पॉन्ड किया कर तो बात आगे बढ़े, रिस्पॉन्ड नहीं करती तो हमें पता नहीं चल पाता ना, कम्युनिकेट लूप नहीं पूरा हो पाता। चलो कोई बात नहीं,
यहां देखो, रोटेशनल इनर्शिया ये है, इस पर अपना हाथ रखो और इस बॉल को घुमाने की कोशिश करो। तो अगर आप इस बॉल को घुमाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि ये है, तो इस पर फिंगर लगा लीजिए और इसे घुमाने की कोशिश करिए। तो रोटेट आप करा ले जाओगे, ज़्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? या चलती हुई बॉल को रोकने की कोशिश करो तो क्या टच करके रोक भी लोगे? ये रोटेट कर रही है आसानी से, ऊपर ऊपर एक उंगली लगा लो रोक लोगे, किसी को ज़्यादा की क्या ज़रूरत। सिर्फ अगर कोई इसके ऊपर एक अपनी उंगली रख ले देन उसी से वो रोका जा सकता है। ये रोक लिया, वो अंगूठे से रोको। लेकिन चलती हुई बॉल को अगर किसी ने फुटबॉल बांध दी एक रस्सी में और रोटेट कर रहा है बड़ी तेजी से, तो क्या हट जाओगे वहां से कि रोक सकते उंगली लगा के? बोलो, हट जाओगे, क्योंकि इसके पास जो रोटेशनल इनर्सिया है, मास भी है और एक रेडियस में घुमा रहा है। तो जहां लीनियर इनर्सिया का सिंबल क्या है बताओ, लीनियर इनर्सिया को क्या कहते हैं भाई? एक ट्रांसलेशनल इनर्सिया या लीनियर इनर्सिया, उसका नाम बताओ। फिजिकल क्वांटिटी है ना, केवल हम कल्पना में तो नहीं कह रहे हैं। तो लीनियर इनर्शिया का सिंबल क्या है भाई? आप बताती नहीं है ना, दिक्कत तो यही है ना। लीनियर इनर्शिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मास ही तो उसका लीनियर इनर्शिया है, और चीजें घूम रही हैं, तो क्या इसमें रोटेशनल इनर्शिया है? अगर ऐसे कोई चीज घूम रही है, हो सकता है कि जो शेष नागें धरती को वहीं पकड़ कर रोक लें, लेकिन धरती का घूमना रोकने के लिए तो बड़ी फोर्स चाहिए। कोई चीज़ ऐसे घूम रही है तो उसको रोकने के लिए बड़ा फोर्स चाहिए। आप कहती हैं मम्मी से कि हमें भारी पहिए वाली साइकिल दिलाओ, मोटे मोटे पहिए हों। क्यों हों मोटे मोटे पहिए? क्योंकि आप जानती हैं कि एक बार अगर मैंने इसको मोशन में सेट कर दिया, या भारी ऐसी बाइक भी लोग खरीदते हैं खूब मोटे पहिए होते हैं, सबसे ज़्यादा वजन पहिए का होता है, देन यू नो इट बेटर कि इसका मतलब है कि एक बार पैडलिंग करके इसको हमने मोशन में ला दिया तो ये अगले चौराहे तक बिना अगला पैडल मारे हमें पहुंचा देगी। वी यू नो दिस कि आप इसको क्या कर सकते हो कि यू कैन मूव अप टू नेक्स्ट पाथ। क्योंकि अब इसमें कैसा इनर्शिया, क्या रोटेशनल, क्या भारी चीज में ज़्यादा इनर्शिया होता है? और अगर व्हील अपनी एक्सिस से दूर हो, मास अपनी एक्सिस से दूर हो, तो और इनर्शिया होता है क्या? जैसे ये देखो, तो फिर से देखो चीज, एक धागे में एक ऐसी रिफिल डालो और इसे घुमाने की कोशिश करो तो इसको घुमाना भी आसान है, बड़ी जल्दी रुक जाएगा। लेकिन ये चीज करो, धागे में ऐसी रिफिल डालो और अब घुमाओ, तो किस में ज्यादा टेंडेंसी होगी? अगर एक बार सेट इन मोशन हो गया, इसके घूमने की ज्यादा टेंडेंसी होगी कि इसके घूमने की? सेकंड वाले की। तो जो चीज इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, इसे आसानी से फ्रिक्शन रोक लेगा, इसे नहीं रोक पाएगा। और ऐसे व्हील में भी आपने देखा, जिसकी ज्यादा बड़ी व्हील है वो एक बार मेहनत जरूर लगेगी टू सेट इट मोशन। तो हमारा कहने का मतलब है रोटेशनल इनर्शिया का क्या फार्मूला है मानसी? कई चीजें आप बताएंगे नहीं तो फिर हमें कैसे? आप बहुत अच्छा बताया है, नहीं तो कुछ लोग सिर्फ आर एम बता देते हैं। आपने आर का स्क्वायर बताया, बोला रेडियस पे ज्यादा डिपेंड करेगा, और ऐसा आपने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी है कि अगर ये इसका रोटेशनल इनर्शिया है, और अगर ये ऑब्जेक्ट, अब फिर से देखो, ये तो इसका इनर्शिया होगा, इसमें इनर्शिया ज़्यादा है, और रेडियस बढ़ाते जाओगे तो और इनर्शिया आ जाएगा। हम इस चीज़ को सिक्स चैप्टर में प्रूव करेंगे, लेकिन अभी आप इनर्शिया देख रहे हो तो ये जान लो कि एक लीनियर इनर्शिया है जिसको एम कहते हैं, और रोटेशनल इनर्शिया आर पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखो, क्या ये चीज मूव कर रही थी? तो इसका कहीं कुछ मास होगा और कहीं उसका सेंटर होगा। छोटा रेडियस रखो तो छोटा सेंटर होगा, बड़ा रेडियस रखो तो बड़ा होगा कि नहीं? रेडियस पे ज्यादा डिपेंड करेगा। अब जरा देखो, क्या अगर एक्सटर्नल रोटेटरी फोर्स ना लगाया जाए तो क्या धरती जिस
रोट जिस तरीके से अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, क्या हमेशा वैसे ही करती रहेगी जितना पिछले 5 बिलियन ईयर से कर रही है? ऐसे ही करती रहेगी और 24 घंटे में ही दिन रात होते रहेंगे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, बोलो। अच्छा, ये करती रहेगी। और क्या अपनी ऑर्बिट में भी वैसे ही रोटेट करेगी अर्थ 365 दिन में? और आपका बर्थडे हर साल बाद जब आएगा तो धरती वहीं पे होगी क्या? वहीं होगी। तो इसमें भी एक तरीके का मोमेंटम है, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी ना आपने, तो अब एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो हर चीज़ आपने पढ़ी कि ये बताओ वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, ऐसा पढ़ा है। और इसी तरीके से एल क्या होता है और अल्फा क्या होता है? ये ए, बोलो, इतना पढ़ा है कि नहीं? अब एक और चीज देखो, ऐसे ही यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक हमने लीनियर मोमेंटम कहा कि कोई चीज चल रही है, फोर्स ना लगाया जाए, नो फोर्स सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है बताओ? नो फोर्स। तो क्या कोई चीज घूम रही है तो घूमती रहेगी? कोई चीज ऐसे अपनी एक्सिस पे घूम रही है या किसी एक्सिस के चारों ओर घूम रही तो घूमती रहेगी विदाउट एनी फोर्स? ना तो ये बदलेगा ना ये बदलेगा। अच्छा, इस चीज को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं बताइए? एंगुलर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम को एम वी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को? इट इज एम वी आर। एम वी आर यानी कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम एल है, एल कहते हैं कैपिटल है, वो एम वी आर है। तो एल क्या हो गया? क्या पी आर यानी एंगुलर मोमेंटम इज आर पी? एंगुलर मोमेंटम किससे रिलेटेड है? लीनियर मोमेंटम इनटू दैट इज ये जो रेडियल डिस्टेंस है। तो इस तरीके से यानी मेरी बात क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स रोटेटरी फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन इट। रोटेटरी फोर्स का मतलब क्या है? ये चीज है, अगर तुम इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगी तब क्या होगा? क्या ये सीधे चलेगी? लगा लो और यहां लगाया जाए तो क्या होगा? क्या रोटेट करेगी? तो कभी भी अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाए तो वो रोटेट करेगी क्या? और सेंटर ऑफ मास पे लगाओ तो सीधे चलेगी। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो टू द ये जो भी है सेंटर ऑफ मास के तो क्या होगा बताइए? रोटेट करेगी। इसको कहते हैं टॉर्क। इसको क्या कहते हैं? और इसे कौन सा फोर्स कहते हैं? ट्रांसलेशनल फोर्स, जिसे एफ कहते हैं, इसको टाऊ कहते हैं। ओके, तो अगर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क रोटेटरी फोर्स, जैम का ढक्कन खोलती हो तो क्या रोटेटरी फोर्स लगाती हो? जैसे ही ये देखो कि एक लेडी यहां पर आप देखो कि हैंड पाइप में ऐसे पानी भर रही है, ये देखो, तो क्या वो यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाती है ऐसे हैंड पाइप पे कि ऊपर से ऐसे ऐसे करती है हैंड पाइप को? बताइए, ऐसे फोर्स लगाएगी कि नहीं? तभी तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। आप देखो कभी गांव की गोरी को कैसे करती है, तो फिर ये ऐसे ऐसे। या एक गेट कीपर जो कहीं पर दरवान खड़ा है तो वो गेट के साथ साथ चलता जाएगा क्या जब खोलेगा? ये ऐसे खोल देगा, बताओ ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं? गेट के साथ, जैसे ये गेट है तो गेट के साथ साथ चलेगा खोलते समय परपेंडिकुलर। सो इस तरीके से अगर एक किसी गेट खोला जाए बहुत भारी है तो वो साथ साथ चलेगा, यहां से फोर्स लगाएगा इस एक्सिस पर और यहाँ 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 चलता जाएगा साथ साथ, तब गेट खुलेगा। ये नहीं कि ऐसे बस जस्ट घुमा दे या कहीं भी फोर्स लगा दे, परपेंडिकुलर लगाता है तभी तो गेट खुलेगा। So, जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाए किसके अबाउट में? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन? बोलो। तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसको टॉर्क कहते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क इज नीडेड, किस लिए नीडेड बताओ? टू चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम। बोलो। इफ और टॉर्क ज्यादा कैसे होगा?
अगर देखो दो तुम्हारे पास बात है, फोर्स तो तुम्हें वही लगाना है, तुम बताओ इस जो ये घुंडी है यहीं पर घुमाना चाहोगी पानी के लिए कि दूर फोर्स लगाने की चतुराई रखोगी? अच्छा दूर लगाओगी तो इतना समझ लो जो टॉर्क है वो आर एफ है। टॉर्क क्या है? आर एफ। जैसे एल इज इक्वल टू आर पी तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, बिल्कुल है ना सिमिट्री। एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इन टू दैट इज रेडियस जो भी है रेडियल एक्सिस का, और यहाँ पर भी एंगुलर फोर्स नाम ही बदल के रख दिया इज आर इन टू लीनियर फोर्स। एंगुलर मोमेंटम इज आर इन टू लीनियर मोमेंटम, बोलो बात सही है? अच्छा अगर एक चपरासी ने ये मूर्खता कर दी यहीं पे खड़ा होके घुमा रहा है तो बोलो गेट खुलेगा क्या? यही घुमाने की कोशिश कर रहा है, खुल जाएगा। तो अगर मान लो कि एक व्यक्ति है ये देखो, अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि वो चल रहा है, और चलते समय उसने क्या किया कि चलते समय ये जो गठरी है उसने अपने शोल्डर पर रखी, और शोल्डर पर रखते समय ये हाथ ऐसे लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, बड़ा चालाक है वो, जान रहा है कि ये फलक्रम है जिस पर गठरी रखी है यहीं पर, एक तरफ लोड है ये क्या है लोड आर्म, और ये कौन सी आर्म में, क्या इफर्ट आर्म में। अच्छा ये जहां पे चीजें मूव करती हैं उसे क्या कहते हैं? फलक्रम। तो फलक्रम पर ये दूर उसे पकड़ रहा है जिससे कि थोड़े इफर्ट से गठरी बनी रहे जगह पे, करता है कि नहीं? जो एक किसान है जो भी कमाने निकला है शहर में वो यही तो करेगा। या कभी पर भी ये फलक्रम है तो बच्चे को माँ दूर बैठाएगी, कहेगी तुम यहाँ बैठो। अच्छा अपना यहाँ बैठेगी कि वो भी दूर बैठने की गलती करेगी? देखो कितनी अच्छी बात कह दी आपने। तो फोर्स ये भी लगा रही है लेकिन ये डेलिबरेटली अपने टॉर्क को, ये रेडियस को कम रख रही है। इसको कहते हैं, एक को लोड आर्म मान लो, एक को इफर्ट आर्म मान लो। तो बच्चे का लोड है, चलो मान लो इसी को लोड आर्म, इसे क्या मान लीजिए लोड आर्म, और ये उसकी क्या है, ये लोड है, लोड आर्म नहीं है, ये क्या चीज़ है लोड है, और ये जो ऊपर की आर्म है उसे क्या कहेंगे बताइए, क्या लोड आर्म है? अच्छा ये इसका इफर्ट है क्योंकि उस माँ का प्रयास है कि अपने बच्चे को खुशी देना, और ये क्या इफर्ट आर्म है? ये इस चीज को इस फलक्रम के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है, और क्या ये ऐसा देख लो ऐसे खींचोगे इधर जाएगा, और ये ऐसे खींचे ऐसा जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो अगर ये जो टॉर्क फर्स्ट है और जो टॉर्क सेकंड है, एक इसमें क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, दिखने से आंखों से सामने से दिख ही रहा है कि कौन सा क्लॉकवाइज है, जो सुई की तरह घूमे उसे क्लॉकवाइज। यदि टॉर्क वन और टॉर्क टू इक्वल हो और अपोजिट हो तो उसका नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। क्या आपके मन में ये बात आ रही है कि एफ वन आर वन शुड बी इक्वल टू एफ टू आर टू? बोलो, यही तो टॉर्क होता है। तो वो कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजिशन में, हॉरिजेंटल रहेगा, लेटरल रहेगा। तो आपका कहने का मतलब है एफ वन आर वन इज इक्वल टू एफ टू आर टू, बोलो बात समझ में आई? क्या यही एर्थ, अच्छा क्या यही आपको एर्थ में एज ए लीवर प्रिंसिपल बताया गया था? बोलो ये क्या है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर का प्रिंसिपल क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स लगा है, और ये आर वन है और ये क्या है एफ टू है, और ये आर टू है, तो क्या एक इधर घुमा रहा है एक उधर घुमा रहा है तो कहीं नहीं जाएगा, है बात कि नहीं? अच्छा एफ वन और एफ टू है तो इधर ये ऐसे घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, एक है ये कौन सा, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? अच्छा अब हाथ की बात करो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है अगर इधर की तरफ घुमा रहा है तो थंब किधर है? ऊपर। तो क्या टॉर्क ऊपर है? और ये घुमा रहा है तो इसका टॉर्क नीचे है क्या? तो इस चीज को आप कह सकती है भाई ऊपर वाली एक्सिस जो है मेरी जेड एक्सिस है, और नीचे वाली एक्सिस जो है
वो माइनस जेड एक्सिस है, बोलो इतना तो समझ सकती हो ना, या ऊपर वाले को प्लस बोल दो नीचे को माइनस, इतना तो भी कह सकते हैं। तो जो हमारा टॉर्क वन है वो क्या है, इट इज जितना रेडियस बढ़ाओगे। अब मान लीजिए ये देखो, अब हम एक शताक्षी को एग्जांपल दे दो तो पता चल जाए कि हम लोगों से ये कहा जाता था कि जाओ, हम लोग एयरफोर्स में थे तो कहा जाता था ये 7000 टन का एयरक्राफ्ट है, जाओ इसमें पहिया लगा दो। और हम लोग 7000 टन के जहाज में कैसे पहिया लगाएं, अगर किसी को लीवर का प्रिंसिपल ना पता हो तो हम लोग क्या उसको उठा के पहिया लगा दें? तो हम लोग मजे मजे में जाते थे, उठा के पहिया लगा देते, कैसे लगा देते? जरा देखो, हम लोग ये बात जानते थे कि अगर ये कार है, कार का लोड है, तो जो कार का लोड है अगर हम फलक्रम को खिसका दें, फलक्रम को शिफ्ट कर दो, ये जो चीज है इसके सेंटर से अगर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो, और कार तो 1000 किलो की होती है, और इधर मैं 10 मीटर रख लूं अपनी तरफ, और यहाँ पर अब मैं फोर्स लगाऊं तो कार उठ जाएगी। कितना फोर्स लगाऊं कि कार उठ जाए? तो मान लो मैंने इफर्ट लगाई एफ, बोलो बात सही है? एक्सिस से टॉर्क कैसे पैदा किया जाता है, फोर्स लगाओ और जितनी लंबी एक्सिस है उतना आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट टॉर्क है। व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज रोटेशनल फोर्स? रोटेशनल फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स इनटू एफर्ट आर्म। रिपीट करो शताक्षी। अरे तो फिर ही से तो नहीं बताना है, आपको तो सोई सोई पढ़ रही हो, बोलो अमानसी। बताओ, नो आइडिया? रोटेशनल फोर्स ही टॉर्क के बराबर हो जाएगा भाई, रोटेशनल फोर्स ही तो टॉर्क है, कह रही हो रोटेशनल फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ इफर्ट आर्म एंड टॉर्क। बताइए शताक्षी, अब ऐसे बोलो, और कौन सा फोर्स? ट्रांसलेशनल की बात ही नहीं हो रही, यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स की बात हो रही है, आप ट्रांसलेशनल पर। सो रोटेशनल फोर्स क्या है बताइए? रोटेशनल फोर्स इज, रोटेशनल फोर्स क्या टॉर्क है? प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है बताओ? प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एंड इफर्ट आर्म, यानी जितना इस, ये इफर्ट आर्म है, इसे क्या कहेंगे? इफर्ट आर्म। और ये जिस पर लोड रखा है उसे क्या कहेंगे? अच्छी बात कही आपने शताक्षी। अच्छा, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इधर पर जो टॉर्क लग रहा है इस एक्सिस के इधर पर टॉर्क, तो टोटल टॉर्क का सम क्या हुआ? अगर टॉर्क ये किधर नीचे करने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे करने की कोशिश कर रहा है, क्या ऐसे करने की कोशिश कर रहा है? फोर्स नीचे लगाओगी तो इस एक्सिस, और ये ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका टॉर्क किधर हुआ? टॉर्क वन ऊपर हुआ, ऊपर को प्लस लेना, टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू। बताओ टॉर्क वन की वैल्यू बताओ, हमें तो नहीं पता, एफ परपेंडिकुलर है और आर है हमारी 10 मीटर। टॉर्क टू की वैल्यू, ये ऊपर है तो देखो प्लस लिया है, ध्यान देना, ये टॉर्क टू, ये देखो ये कितना है, ये नीचे है क्या, देख लो ऐसे है ना, क्लॉकवाइज राइट हैंड, बोलो ऐसे है कि नहीं, फिर से देखो। तो नीचे का निगेटिव लेना, बताओ टॉर्क टू कितना है? 10 सेंटीमीटर को 0.1 रखना, और 1000 केजी है तो 0.1 इंटू 1000, तो इट इज 10F, और ये माइनस में रखो तो माइनस 100 हुआ। और हम नेट टॉर्क कितना चाहते हैं कि कार उठ ही रहे, बस बैलेंस रहे, नेट टॉर्क जीरो चाहते हैं कि नहीं? इस एक्सिस पे उठा लिए दब ना जाए, नेट टॉर्क कितना चाहते हैं?
हम वेक्टर से सीधा स्केलर पर स्विच कर गए, तो हम नेट टॉर्क यहीं पे जीरो रख दें क्योंकि यहाँ से हमने वेक्टर लगाना बंद कर दिया है, जिससे लोगों को क्लियर हो जाए कि ये इसका एक्सटेंशन नहीं है, हमने स्केलर पे स्विच कर लिया है। और बाकी साइन तो लगे हुए हैं। अच्छा, इस 100 को इधर ले आओ, इट इज 10F, तो F कितना हो गया, क्या 10 न्यूटन, बोलो। तो अब यहाँ पर ये 1000 kg की थी, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा था, हमने इसमें जी नहीं लिया है, तो 1000 इंटू जी भी लिखो ना, क्योंकि वेट क्या होता है, सिर्फ मास से तो वेट नहीं बनता है, तो इसका नीचे का वेट कितना हुआ, क्या एम जी, जी का एब्सेंस है कि नहीं, बोलो, बताइए सताक्षी। बिना जी के तो मास से तो नहीं बनेगा, तो अब जी को भी आप क्या ले लो, ये 100 हो गया और जी भी लगाओ, और अब ये 100 के आगे इधर जी लगाओ, और जी को क्या लिख दो, जी को अब 9.8 लिख दो, तो ये 980 हो जाएगा क्या, और बाई 10, तो इससे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 98 न्यूटन। अब बोलो, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई है सताक्षी? अगर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है तो मुझे ये बता दो कि, देखो थोड़ी थोड़ी आएगी तब बता ले जाओगी, और नहीं आई होगी थोड़ी थोड़ी तो नहीं बता पाओगी। ये है, इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, ये भी इक्वल है यार, ये भी इक्वल है यार, ये भी इक्वल है F, ये भी इक्वल है F। अब मुझे बता दो इस पर नेट ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो है या नहीं, चलो ये क्यों जीरो नहीं है ये भी तो बताओ भाई, रीजन के साथ नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा। बात आपने सही कही कि जीरो है, तो अमांसी ये बताओ क्यों जीरो नहीं है, पहले ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया अमांसी, सवाल नहीं सुना ना ध्यान से, जब सवाल ही नहीं सुनोगी तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा, जो पूछा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन तो आधा सुना है तो सवाल का जवाब कहाँ से दोगी, क्या पूछा गया है बताओ, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स पूछा गया ना, और सताक्षी ने रोटेशनल बताया। एक्चुअली हाउ टू लिसन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हाउ टू लर्न, जब लिसन ही नहीं करोगी तो लर्न क्या करोगी, लिसनिंग कैपेसिटी ठीक नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसलेशनल, सताक्षी ने रोटेशनल बता दिया, तो इसमें क्या दो फोर्स नीचे एक्ट कर रहे हैं, तो नेट एफ नेट क्या है बताओ, बताइए, हाँ बताइए, दो फोर्स नीचे एक्ट कर रहे हैं क्या दोनों की सेम डायरेक्शन है, बोलो बोलो, 2F हुआ कि नहीं, क्या इस पेन पे दो फोर्स नीचे एक्ट कर रहे हैं तो क्या नीचे चली जाएगी, ट्रांसलेट करेगी, दो फोर्स ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसलेट करेगी बताओ बिना रोटेशन के। तो हमने आपसे जितना पूछा क्या पूछा, कि दोनों तरफ से रस्सी से खींचा जाए तो क्या चीज चलेगी, नहीं बोलो, एक लट्ठा है लॉग है, चलेगा कि नहीं चलेगा, जब ट्रांसलेशनल पूछा तो ट्रांसलेशनल बताओ, सवाल को ध्यान से सुनो, सवाल जो चीज है उसे ध्यान से सुनिए। अब देखो कि दूसरी चीज पूछी गई कि इस पर नेट रोटेशनल फोर्स क्या है, अब बताओ कि टॉर्क नेट, एक टॉर्क है एफ आर और दूसरा क्या है, क्या माइनस एफ आर, तो मान लो मैं मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि इधर वेक्टर लगाने का स्कोप नहीं है, तो मैंने सिर्फ वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव तो जीरो है, तो नेट टॉर्क जीरो और नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या है, 2F. एक ऐसी भी स्थिति बनती है, इस पर ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है, ये एक्सिस है, ये आर है, ये आर है, ये F है और ये F है, ये। अब सताक्षी मुझे ये बता दो इस पर नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या है, देखो बहुत अच्छी बात कही है, जैम के डिब्बे में एक तरफ उंगली वहां लगाओ और एक इधर,
तो जैम का डिब्बा खिसकेगा कि खुलेगा? बोलो, खुलेगा। खुलेगा। इस चीज को कहते हैं कपल। व्हाट डज इट मीन, इसे क्या कहते हैं? कपल। कपल का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे लोग जो या तो अपोजिट नेचर के हों या अपोजिट जेंडर के हों, उनको कपल कहते हैं। जैसे कि कोई भी हस्बैंड वाइफ है, उन्हें कपल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जेंडर अपोजिट है। उसी तरीके से दो फोर्सेस जिनके या तो हार्मोन्स अपोजिट हों या कुछ भी अपोजिट हो, जो बिल्कुल अपोजिटली बिहेव करें या नेचर अपोजिट हो, कुछ ना कुछ अपोजिट हो, तो कपल कहेंगे। तो दो, इफ टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, देन इट इज कॉल्ड कपल। सो इफ ए कपल इज एक्टिंग, ठीक है, एक कपल इज, कपल में फिर आर भी इक्वल होना चाहिए, देन इट प्रोड्यूसेस नेट ट्रांसलेशनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और टॉर्क ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इधर, तो क्या जुड़ जाएगा? क्योंकि बॉडी तो घूम जाएगी, अब तो इसको टॉर्क मिल गया, पहले नहीं घूम रही थी, अब घूम जाएगी। घूम जाएगी कि नहीं? देखो पेन पे इधर से फोर्स लगाया और इधर से, क्या ये घूम गई? बिना चले घूम गई क्या? फिर से देखो, एक नीचे के ऊपर घूम गई क्या? बोलो। अच्छा, अब इस पर जो इधर का फोर्स है, ये वाला देखो टॉर्क क्या ऊपर है, देख लो अपने हाथ से करके देख लो, इससे ऊपर है क्या? क्या दोनों जुड़ गए? बोलो, क्या दोनों क्लॉकवाइज हैं? ऐसे देख लो, ये भी घड़ी की सुई, ये भी घड़ी की सुई, एंटी क्लॉकवाइज है क्या दोनों? घड़ी के उल्टा, ये भी, ये भी। बोलो, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? हाँ नहीं बोल दिया करो, तुम्हें पता चल जाए, फिर हम कम्युनिकेट होगा तो ज्यादा बढ़ोगी आगे, तो क्या 2FR हुआ? बोलो, इतनी बात हो गई। तो हमने हर बात देख ली, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि अगर किसी भी चीज पर टॉर्क न लग रहा हो तो क्या होगा? क्या उसका मोमेंटम नहीं बदलेगा? वो जैसे घूम रही है वैसे घूमती रहेगी? बोलो, इनर्शिया पे हम फिर आ जाते हैं, हमारा मुख्य चीज इनर्शिया है। इफ नो टॉर्क, टॉर्क तो समझ गई हो ना? बोलो, तो ये बोलो, इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड, किसी पे टॉर्क अप्लाई ही ना करो, अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, एक फुटबॉल को घुमाओ ही मत, तो क्या रुकी हुई फुटबॉल रुकी रहेगी? और घूमती हुई फुटबॉल घूमती रहेगी, कोई फोर्स ना लगाओ, फ्रिक्शन भी ना लगाओ, बर्फ पे रख दो। तो इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, देन उसकी क्या चीज कंजर्व रहेगी? क्या इनके तीनों चीजें कंजर्व रहेंगी? एम भी कंजर्व रहेगा, वी भी कंजर्व रहेगा और आर भी। जरा चेक तो करो, ये चीज जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एम की है, तो क्या उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं बदलेगी? क्या उसका रेडियस नहीं बदलेगा कि उसका मास नहीं बदलेगा या कुछ भी नहीं बदलेगा? बोल। देखो ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, बोला कि जो टॉर्क, ये तो इन्होंने बोल दिया L is equal to mv r, इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स, क्योंकि आपने कुछ फोर्स नहीं लगाया, सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, उसे क्या कहेंगे? बोलो, बात समझ में आ गई? इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ओके, इज इट करेक्ट? हाँ, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रोटेशनल आर्म। फिर से देखो, दो चीज समझो, एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ, क्या इधर ही की तरफ पी भी लग रहा है जो कि एम वी है, और इस पर लगने वाले एंगुलर मोमेंटम की दिशा क्या होगी? क्या अपवर्ड? जैसे कोई तीर है तो तीर को अगर ऊपर से देखो तो ये कैसे दिखता है? यहां से देखो तो ये ऐसे दिखेगा कि नहीं? अपवर्ड।
और जो इधर से देखेगा तीर को उसे कैसे दिखेगा तीर, जाता हुआ तीर, यह है आता हुआ तीर, यह आता हुआ तीर है कि नहीं? तो इसी तरीके से ये ऊपर आ रहा है क्या, चेक करो थंब। तो सारे रोटेशनल मोमेंटम के लिए राइट हैंड थंब रूल है, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ, सताक्षी जरा रिपीट करो, रिपीट करोगी तो तब हमें बहुत अच्छा लगता है किसी चीज को, ये हमें एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंड हाँ एंड एफर्ट ऑफ, अच्छी बात कही है, आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते जाओ। अगर इतना ही तुम जानती हो सताक्षी, चलो मान लिया तुम थोड़ा बहुत जानती हो, ज़्यादा नहीं जानती हो, तो इतना तो बता दो कि एंगुलर मोमेंटम बताया आपने तो एंगुलर फोर्स इस प्रोडक्ट ऑफ, ये बता लोगे तो जान जाएंगे कि सब चीज़ जानती हो, एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क बोलो आप अगर जानती हो तो बोलो, नहीं जानती हो तो मना कर दो, एंगुलर फोर्स को टॉर्क बोलो, क्या बोला सर? एफ आर, हमें स्टेटमेंट बता दो, बाकी तो जो आता होगा आता होगा, बोलो। हाँ अमांशी, एफर्ट ऑफ एंड परपेंडिकुलर फोर्स, हाँ दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल फोर्स है ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है आप परपेंडिकुलर फोर्स ही लिख लो क्योंकि यहाँ पे वही काम करेगा, परपेंडिकुलर लिखते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। एंड इफर्ट आर्म, अच्छा अब कुछ क्लियर हो रहा है कि L क्या था पी आर और टॉर्क क्या है, क्या एफ आर, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो टॉर्क अगर जीरो है, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन L क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ये बात समझ में आई बोलो? अच्छा अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बहुत अच्छी बात आपको समझ में आई है। अच्छा क्या बैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब समझती हो, कि यानी जो फोर्स होता है, फोर्स के क्या तीन कंपोनेंट हो सकते हैं? भाई किसी चीज़ पे फोर्स लगा है तो कहोगे अरे हमारा तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे बन रहा है, चलो ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, ये जेड एक्सिस ले लो, तो दैट इज ये कार्टेशियन राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर सिस्टम है कि नहीं? देखो एक्स से वाई गए तो जेड मिला, बोलो अमांशे, एक्स से वाई गए तो जेड मिला। तो इस तरीके से हमने राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर ये जो है कार्टेशियन सिस्टम ले लिया, एक्स से वाई गए तो जेड मिला, राइट हैंड से करना एक्स से वाई जाओ थंब जेड है, जेड से एक्स जाओ थंब वाई है, देखो जेड से एक्स गई थंब वाई है कि नहीं, दिख रहा है जेड से जाओ एक्स वाई है, कहीं से कहीं भी चले जाओ आपको सब चीज मिल जाएगी, वाई से जेड चले जाओ तो थंब एक्स है, करके देख लो। तो ये राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब जरा देखो कि इसका एक्स की ओर कंपोनेंट क्या होगा, क्या एफ एक्स होगा? कुछ लोग कहते हैं कि इसका अल्फा बीटा गामा एंगल होता है कि नहीं अलग अलग से, तो ये जो एफ एक्स हुआ इधर की ओर कंपोनेंट, एफ एक्स जो होगा वो एफ कॉस अल्फा होगा, और एफ वाई क्या होगा, इसका इधर की ओर प्रोजेक्शन होगा क्या, और एफ जेड क्या होगा, ये एफ जेड है, ये गामा होगा एफ कॉस गामा। ये चीज़ आपको हमने थर्ड चैप्टर में भली भांति समझा दी है, फिर भी मेरा कहने का मतलब है कोई भी जो एफ होगा वो क्या एफ एक्स आई है और एफ वाई जे है और एफ जेड के है क्या,
बताइए, किसी भी फोर्स के क्या तीन कंपोनेंट होते हैं? अच्छा, किसी भी टॉर्क के भी तीन कंपोनेंट होते हैं। अगर कोई चीज़ घूम रही है और उसका स्पीड बढ़ता चला जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन हो, तो कहा जाएगा हाँ भाई फोर्स लग रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर घूम रही है तो हम, और तेज होती जाए, तो समझ लेना इसका टॉर्क ऊपर है, तेज होती जाए, स्पीड बढ़ती जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टॉर्क के भी क्या कंपोनेंट हुए? क्या टॉर्क एक्स एक्सिस की ओर भी लग सकता है? कोई चीज़ ऐसे भी घूम सकती है क्या? इस एक्सिस की ओर भी घूम सकती है, इधर एक्सिस हो, और उसी चीज में अगर ऐसे एक सुई लगा दो तो इस एक्सिस पे घूमेगी, और ऐसे सुई लगा दो तो ऐसे, और अगर चारों तरफ घूम रही है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो हर एक्सिस पे कोई ना कोई कंपोनेंट बनेगा, घूम ही रही है, पता नहीं कोई एस्टीरॉइड है, घूमे ही जा रहा है हर तरफ, तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे क्या, बताएं? मेरा ये कहने का मतलब है, क्या इसमें टोटल सिक्स फोर्सेस लग रहे हैं? बोलो, थ्री रोटेशनल और थ्री ट्रांसलेशनल फोर्स लग रहे हैं। सो देयर आर सिक्स फोर्सेस, दैट इज थ्री रोटेशनल हैं और थ्री कैसे हैं बताइए? बहुत अच्छी बात आपने की है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इफ नेट बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, बॉडी बैलेंस्ड फोर्स में कब होगी बताओ, कब होगी? इफ बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं अभी, आ गई असली बात। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि क्या टॉर्क नेट जीरो, और टॉर्क नेट जीरो कब हो गया? क्या एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जीरो, वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट जीरो, और जेड एक्सिस का भी कंपोनेंट जीरो, बताइए। एंड एफ नेट जीरो, ये कब जीरो होगा? क्या इसका एक्स का भी कंपोनेंट जीरो हो जाए, ना एक्स में फोर्स लगे, ना वाई में लगे, और ना जेड में, क्या ये जो सिक्स सेट ऑफ फोर्सेस हैं ये जीरो हो जाए क्या, बताओ? अंडर बैलेंस फोर्स, मेरा कहने का मतलब है टॉर्क नेट जीरो हो जाए और एफ नेट जीरो हो जाए, कोई फोर्स ही ना लगे, ना रोटेशनल, ना उस पर कोई घूर्णन बल लगे और ना रेखीय बल लगे, यदि वस्तु पर किसी भी प्रकार का बाह्य बल आरोपित ना होता हो, एंड बॉडी इज अंडर बैलेंस फोर्स, देन इट्स लीनियर मोमेंटम एज वेल एज, क्या एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा? बोलो, यानी p कांस्टेंट रहेगा क्या? एंड जो l है वो भी कांस्टेंट रहेगा क्या? इस कंजर्व्ड, बताएं बात को। मेरा मतलब है कहने का कंजर्व्ड, अच्छा देखो, मेरा ये कहने का मतलब है, ज्यादा नहीं है कि पी एक्स आई प्लस पी वाई जे और प्लस पी जेड के, जिधर वो जैसे जा रही है अपना जाती रहे, हमें क्या लेने देना। फिर भी अगर आप लोगों को बड़ी डिटेल चाहिए तो मेरा ये कहने का मतलब, पी एक्स क्या होता है, क्या एम वी एक्स? बोलो, पी वाई क्या होता है, क्या एम वी वाई? और पी जेड क्या होता है, वी वाई, एम नहीं लिखो, वी वाई लिखो। अच्छा, और इसको क्या कहेंगे, इसे V लिख दो, दैट इज वी जेड के, इट इज इक्वल्स टू जीरो। क्या आप ये कहेंगी कि m को नीचे ले जाओ, उधर वो जीरो हो जाएगा, तो क्या वी एक्स और प्लस वी वाई और प्लस वी जेड के ये जीरो है, या वेलोसिटी वेक्टर जीरो है? सॉरी, इट इज जीरो ना लिखो, इसे कांस्टेंट लिखो, क्या रहता है बताइए, जीरो रहता है कि कांस्टेंट? कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखो, तो ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट लिख दिया जाए और ये कांस्टेंट बाई एम लिख दिया जाए, तो क्या ये कांस्टेंट है? तो इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूव कर दिया कि नहीं? यस
ये तीसरी तरीके से किया। भाई आपका यही तो है कि फर्स्ट लॉ आपने बोल तो दिया कंजर्व रहेगा, फिर आपके मन में क्यों कंजर्व रहेगा, हमें साबित करके दिखाइए। आपको वेक्टर से भी नहीं समझ में आया तो तीसरा मेथड लो, तो बोलो तीसरा मेथड है कि नहीं, और नहीं समझ में आया तो फिर एल क्या होता है बताओ, क्या एम वी आर है बात कि नहीं। तो इस तरीके से एल ये कांस्टेंट है, सो ऑब्जेक्ट इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं, मोमेंटम, सारे मोमेंटम, तब इसका कोई भी मोमेंटम बदलेगा नहीं। तो इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा गया, ये जो ऊपर की बात कही कि किसी भी चीज पर कोई फोर्स ना, टोटली अंडर बैलेंस्ड फोर्स, सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिर्फ मोमेंटम भी कह सकते हो, ये सुविधा दी गई है। अब आपको समझ में आया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। एंड इफ टॉर्क नेट इज जीरो एंड एफ नेट इज जीरो, तो वो घूम रही है तो घूमती रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। देन ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग, रोटेट करे, कीप ऑन रोटेटिंग विद, क्या सेम एंगुलर वेलोसिटी लिख दें क्या, बताओ। ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग, अगर किसी के अपनी एक्सिस पे रोटेशन होता है और किसी दूसरी एक्सिस पर अगर एक्सिस उससे हट जाए, उसके सेंटर से हट जाए, तब रोटेशन होता है। ये है, ये क्या है, क्या ये रोटेशन है, बोलो, सेंटर से गुजर रही है नहीं एक्सिस। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास से दूर हो गई एक्सिस तो अब ये रिवॉल्व करेगी, बोलो हमने यहाँ सुई लगा दी है तो अब ये क्या होगा, क्या ऐसे घूमेगी। फिर से देखो, कोई चीज इस एक्सिस पर, यहाँ पे सुई लगा दो अंदर तक और घुमाओ, तो अब क्या ये यहाँ से यहाँ आएगी, फिर घूमेगी ना, कभी यहाँ रहेगी कभी ऐसे, घूम रही है कि नहीं, चक्कर मार रही है, तो इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। अगर उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस हट गई तब रिवॉल्यूशन है, और कोई कोई तो बहुत हटा देता है, बाहर ही निकाल के रख देता है, क्या तब भी रिवॉल्यूशन है, बताओ। सो इफ ए बॉडी इज रिवॉल्विंग, कीप ऑन रिवॉल्विंग, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग, कीप ऑन रोटेटिंग, तो रोटेटिंग हो या फिर क्या हो, क्या रिवॉल्विंग हो, बोलो, तो वैसे ही करती रहेगी। इफ ए बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या उसी मोशन में रहेगी, बॉडी विच इज एट रेस्ट, जो विरामावस्था में है, विल रिमेन एट रेस्ट, विराम में ही रहेगी, एट रेस्ट। द बॉडी विच इज मूविंग कीप ऑन मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है, ये भी हो गया। तो आपने क्या देख लिया, घूम रही है तो घूमती रहेगी अपनी एक्सिस पर, जो भी करे चल रही चल, इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम, इसको कहेंगे कि ये उसकी साम्यावस्था है, इक्विलिब्रिया, यानी जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, लिब्रिया, एटिमोलॉजी बता रहा हूँ, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, और दोनों में समान वेट रखा हो तो क्या ये, अगर अपनी एक्सिस से थोड़ा बहुत ऑसिलेट करेंगे तो क्या फिर उसी में आ जाएंगे, तो इसको क्या पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम, देन द बॉडी को क्या कहा जाएगा, इन स्टेट ऑफ, अगर उस पर सारे फोर्स जीरो लग रहे हो, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, तो क्या वो उस वस्तु की विरामावस्था, साम्यावस्था है, बताओ, स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम, उसमें कोई चेंज ना है, चेंज ना है, आप ही में चेंज ना है,
आपके जीवन में दुख आए सुख आए कोई चेंज ना आए, तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट है? कोई चेंज ना है, तो जब आप में चेंज ना हो, किसी भी जैसी हो वैसी बनी रहो, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धया युज्यस्व नैवं पापं वा वाप्स्यसि। गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, सुख में दुख में जय में पराजय में लाभ हो हानि हो, यदि जो सम बना रहता है तो वही इक्विलिब्रियम में है। देखो वहां पर भी कह दिया गया वही इसकी साम्यावस्था है। तो तुम्हारे अंदर जैसे तुम हो वैसे बने रहो और बाहरी परिस्थितियों से कोई बदलाव ना आए तो उसे किस तरीके की स्टेट कहते हैं? बाहरी बल तुम इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आप समझ में आ गई ना बात कि ना वो अपनी रोटेशनल पैटर्न को बदले ना ट्रांसलेशनल पैटर्न को बदले, जैसा यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में रहे रेस्ट में रहे। और टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टॉर्क नेट जीरो और एफ नेट क्या है, क्या ये भी जीरो? और पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, छह कंपोनेंट में कोई ना कोई एक सर्वाइव कर जाए। इफ इन सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इफ एनी वन इज सर्वाइव तो उसको कहते हैं आंशिक साम्यावस्था, पार्शियल इक्विलिब्रियम। बोलो बात समझ में आ गई? तो हम इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास 12 बजे होगी। थैंक यू, वेलकम।